एवं पत्र प्रारूप और पत्र लेखन। बच्चों, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। भाषा में ठहराव को दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि किस तरह से बहुत सारे चिन्ह आपकी, जब आप हिंदी की किताब पढ़ते हैं तो हिंदी के अलावा भी दूसरी भी किताबें आप पढ़ते हैं तो उनमें बहुत सारे बीच बीच में चिन्हों का प्रयोग होता है। आज हम उन चिन्हों के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि अगर हम विराम चिन्ह का सही जगह पर प्रयोग नहीं करते हैं तो किस प्रकार से उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, हम यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे रोको मत जाने दो, हमने यहाँ पर किसी भी तरह का विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। रोको मत जाने दो मतलब किसी के बारे में अगर हम कह रहे हैं कि जाने दो, उसे रोकना नहीं है तो रोको मत जाने दो। लेकिन अगर हम इनमें बीच में कहीं पर विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो किस तरह से इसका अर्थ बदल जाता है। दूसरा उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं, रोको, यहाँ अर्धविराम लगा है, अल्प विराम लगा है। रोको मत जाने दो मतलब जिसको अभी हम कह रहे थे रोको मत जाने दो, उसको हम कह रहे हैं रोको मत जाने दो। यहाँ पर अर्थ बदल गया कि जिसको आप अभी रोको मत जाने दो कह रहे थे, आप बोल रहे हैं आप रोको मत जाने दो। तीसरे तरीके से अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग रोको मत के बाद लगाते हैं, जैसा कि उदाहरण में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रोको मत जाने दो, यहाँ पर फिर अर्थ बदल गया, मत रोको जाने दो। तो इस तरह से अगर हम विराम चिन्हों का सही जगह प्रयोग करते हैं और अगर गलत जगह कर देते हैं तो किस प्रकार से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ये चीज हमें यहाँ पर समझना है। बच्चों, हिंदी में विराम चिन्हों का बहुत महत्व होता है, ये एक छोटे से अर्थ से हमने इस चीज को जाना। आइए हम जो विराम चिन्ह जिनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है उनके बारे में जानते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों, यहाँ पर आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसको हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। इसे हमने कर्सर जिस चिन्ह के ऊपर है आप यहाँ पर देखें, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर प्रश्न पूछा जाए, आपसे अगर कोई पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो तो यहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हम उदाहरण से समझते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका प्रयोग प्रश्न आदि पूछने के लिए किया जाता है, वहां पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, क्या तुम कल स्कूल गए थे, यहाँ पर चिन्ह आएगा प्रश्नवाचक। दूसरा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ पर देखें आप, विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरह से बनता है। इस चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हर्ष के समय, विषाद के समय, करुणा के समय, घृणा के समय, आश्चर्य के, इन सब चीजों को व्यक्त करने के समय हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वाह कितना सुहाना मौसम है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कितना सुहाना मौसम है। ये वाह के बाद जो चिन्ह लगा है, इससे ये पता चल रहा है वाह, एकदम यहाँ पर हर्ष वाली बात आ गई। दूसरा वाक्य हम इस तरह से भी बना सकते हैं, वाह सचिन का जवाब नहीं, सचिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो हम इस तरह से वाक्यों को बना सकते हैं, आप भी बनाने का प्रयास करना। तीसरा विराम चिन्ह देखें, तीसरा है अर्धविराम। ये देखें आप, अर्धविराम को इस तरह से दर्शाया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग कहाँ होता है? जहां अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं, मतलब पूर्ण विराम पर हम रुकते हैं, एक सांस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इतनी देर ना रुककर थोड़े से समय, अल्प समय के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, तो वहां पर हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का।
जिसे सदा सत्य बोलो। इसके बाद हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना है अर्धविराम का, जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें। सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें। या हम इस प्रकार भी और उदाहरण बना सकते हैं, विद्याधन अनमोल है, खर्च करने से बढ़ता है। विद्याधन अनमोल है, उसके बाद हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अर्धविराम का। फिर उसके बाद खर्च करने से बढ़ता है, फिर पूर्ण विराम का हम प्रयोग करेंगे। इसी तरह से बच्चों अगला जो चिन्ह है हमारा वह अल्पविराम। अल्पविराम का मतलब क्या होता है? ये चिन्ह है अल्पविराम का, वाक्य में जहां रुकना हो या एक से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों को अलग अलग जब हमें करना हो उसे हम अल्पविराम कहते हैं। तो यहाँ अल्पविराम का एक उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने भारत में पहाड़, नदियां, झरने, खेत, इमारत आदि देखे। तो जब हम इतनी सारी चीजों को यहाँ पर बताएंगे, कौन कौन सी, पहाड़, नदियां, झरने, खेत, इमारत, तो इन सबको हम एक साथ कहेंगे तो यहाँ पर अर्थ बदल जाएगा। इसलिए हमें इनको अलग अलग दर्शाना है, तो इन सब के बीच में हम अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। और भी उदाहरण हम दे सकते हैं कि भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि उगाए जाते हैं या आदि की खेती की जाती है। अगला चिन्ह देखे बेटा, ये है योजक चिन्ह, है ना। योजक चिन्ह इस तरह से बनाया जाता है जो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। योजक चिन्ह का अर्थ होता है दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए उनको जोड़कर लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम दो जो आपस में जिनका संबंध व्यक्त करना है तो उनके बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे वह राम सीता की मूर्ति है, राम और सीता के बीच में योजक चिन्ह आएगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं लता मंगेशकर की आवाज कोयल सी, कोयल सी, कोयल और सी के बीच में हम इसका प्रयोग करेंगे, कोयल सी मीठी है। अगला विराम चिन्ह देखें, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को इन दो चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अवतरण चिन्ह का प्रयोग बच्चों कहाँ करते हैं? जहां पर किसी के द्वारा की हुई बात को हम उसी की तरह प्रकट करते हैं, उसमें हम अपनी तरफ से कोई सुधार नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने कहा है वैसा का वैसा हम प्रयोग करेंगे, तो वहां पर हमें अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। ये दो डबल इस तरह से भी दोहरा भी होता है और इकहरा भी होता है ये अवतरण चिन्ह। यहाँ पर हम उदाहरण देखें कहाँ पर हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तुलसीदास जी ने सत्य कहा है, यहाँ पर हम योजक चिन्ह के साथ, फिर क्या कहा है उन्होंने, इसे हम इस बात को हम अवतरण चिन्ह के अंदर रखेंगे कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। बच्चों इसके बाद अगला जो चिन्ह है वह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग हम उठाकर हर कहीं कर देते हैं, है ना, जहां पर नहीं लगता वहां पर भी लगा देते हैं। तो आज हम ये बात सीखें कि पूर्ण विराम का प्रयोग हम कहां पर करते हैं। पूर्ण विराम को देखें आप, आपके टीवी स्क्रीन पर ये देखिए कर्सर के माध्यम से हम बता रहे हैं। पूर्ण विराम को हम इस तरह से उसका चिन्ह बनाते हैं और इसे हम किस प्रकार से समझेंगे कि जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब वाक्य में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे रहीम स्कूल जाता है, मैंने भोजन कर लिया है, तो यहाँ पर हम बीच में किसी भी तरह का हमने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पर एक वाक्य पूर्ण हुआ और वहां पर हमने पूर्ण विराम का प्रयोग कर लिया। बच्चों हम यहाँ पर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, हमने
अभी जिन चिन्हों का प्रयोग किया, जिन चिन्हों को समझा, उनका हमने आपको एक कार्यपत्रक दिया है। इसको आपको करना है, इन चिन्हों को आपको पहचानना है और उनके नाम लिखना है। यहाँ से आप चिन्ह लेंगे, उन चिन्हों का यहाँ पर आप नाम लिखेंगे और फिर एक उदाहरण आप बनाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्धविराम, अल्पविराम, योजक चिन्ह और अवतरण चिन्ह का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो हम इनके नाम लिखेंगे और इनके उदाहरण देंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं आपको। निम्नलिखित वाक्यों में यथा स्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया है, क्या ये आपका कुत्ता है? तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? वो चिन्ह हमें यहाँ पर प्रयोग करते हुए वाक्य को फिर से एक बार लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या ये आपका कुत्ता है? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य देखें, अरे तुम जा रहे हो? यहाँ पर हमें कौन कौन से चिन्हों का प्रयोग करना है? हमें यहाँ पर एक चिन्ह का प्रयोग करना है अरे के बाद, विस्मयादि बोधक का। और तुम जा रहे हो, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? पूर्ण विराम का। तो इस तरह से हम यहाँ पर वापिस उस वाक्य को लिखेंगे, अरे तुम जा रहे हो, तो अरे तुम जा रहे हो। फिर मेरी टोकरी में आम, केला, सेब आदि फल है। यहाँ पर सीधा वाक्य लिखा है, हम मेरी टोकरी में आम, केला, सेब आदि फल है। तो हमें यहाँ पर अर्धविराम का, अल्पविराम के चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे मेरी टोकरी में आम, केला, सेब, यहाँ पर इस तरह से हम लगाएंगे और इसके वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाकर इसको हम लिखेंगे। उसे यह भी सिखाना के बाद हम यहाँ अल्पविराम का प्रयोग करेंगे कि धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानी है, अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। दुश्मनों के साथ साथ, साथ साथ के बीच में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मित्र भी होते हैं, यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर पूरे विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। बच्चों अब हम सीखेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होते हैं? ज्यादातर पत्र आप लोग लिखते हैं स्कूल में छुट्टी के लिए, है ना? छुट्टी के लिए आप पत्र लेखन का प्रयोग करते हैं। छुट्टी का आवेदन होता है या कोई हमारी समस्या होती है, जैसे नगर निगम अधिकारी को अगर हमें पत्र लिखना हो मोहल्ले में साफ सफाई के बारे में, तो इस तरह से हम लोग पत्र लिखते हैं, है ना? तो पत्र क्या होते हैं? अभिव्यक्ति के सभी साधनों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण साधन होता है। बच्चों आपको पता है पत्र लेखन एक कला होती है। पत्र अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन भी होते हैं। वैसे तो पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके व्यापक रूप को देखते हुए हमने यहाँ पर पत्रों को दो भागों में बांट दिया है। और वास्तव में हमें परीक्षा में इन दोनों पत्रों के बारे में ही ज्यादातर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो पत्र के दो प्रकार हैं, पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। बच्चों हम यहाँ पहले औपचारिक पत्र को समझेंगे। औपचारिक पत्र, ये पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनसे हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता, जिन्हें हम अच्छे से जानते नहीं है, हमारा निजी कोई परिचय उनसे नहीं होता है। इस पत्र में हम संदेश, तथ्य और सूचनाओं पर ही बल देते हैं। ये पत्र हम अधिकारियों को लिखते हैं, जैसे प्राचार्य, हेडमास्टर, जिलाधीश या अन्य किसी अधिकारी को। दूसरे पत्र होते हैं बच्चों अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक का मतलब होता है कि ये पत्राचार हम उन लोगों से करते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है या हमारा परिचय होता है।
ये पत्र हम अपने परिवार के लोगों और मित्रों के लिए या अपने निकट संबंधियों के लिए लिखते हैं। आइए अब हम इन पत्रों के बारे में, इन्हें लिखना, इनका प्रारूप कैसा बनता है, इसे सीखेंगे, क्योंकि वर्तमान में परीक्षा में इसके प्रारूप के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। और उस फॉर्मेट के अंदर, उस प्रारूप के अंदर अंतर्गत जब हम इस पत्र को लिखते हैं तो इसमें हमें सफलता अच्छी मिलती है। हमारे पत्र का प्रारूप सुंदर और स्पष्ट दिखाई देता है। हमने यहाँ पर कुछ पत्र के चित्र दिए हैं जो आजकल विलुप्त प्राय हो गए हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से ही अपना काम चला लेते हैं। व्हाट्सएप आने के कारण हमारे संदेश हम व्हाट्सएप से भेज देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पत्र इन के माध्यम से, इन जो चित्र आपके इस पर दिखाई दे रहा है, ये एक पोस्ट कार्ड का चित्र है, आप देखें, है ना, ये अंतरदेशीय पत्र है। इनमें पत्रों को लिखा जाता था, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने संदेशों को हम इनके माध्यम से, इन पत्रों के माध्यम से पहुंचाते थे। लेकिन आजकल हम व्हाट्सएप से कर देते हैं सब सूचनाएं इधर उधर, और पत्रों को हम नहीं लिखते। आपने कभी इनके अंदर पत्र लिखा है? बच्चों, मैं आपसे एक अपेक्षा रखती हूँ कि आप महीने दो महीने में जरूर एक पत्र लिखें। अपने माता पिता को ही लिखें, अपने शिक्षक को भी लिख सकते हैं, और उस पर उनका पता लिखकर और उसे डाक में डालें। वह पत्र अगर आपने अपने माता पिता को लिखा है तो आपके घर आएगा, आप उसे खोलकर पढ़ेंगे, आपके माता पिता पढ़ेंगे, देखो उसमें कितना आनंद आता है, और आपको पत्र लिखने की आपकी समझ भी इसके कारण, इस माध्यम से विकसित हो सकेगी। दूसरा, यहाँ पर देखो आप, इस तरह के पत्र भी लिफाफा है, ये इस तरह के, इनमें भी पत्रों को पहुंचाया जाता था। ये एक टिकट लगा हुआ लिफाफा है, इसमें हम एक प्लेन पेपर पर या लाइनिंग वाले पेपर पर हम पत्र को लिखकर इसके अंदर डालकर और जिसको हमें भेजना है उसका हम यहाँ पर पता लिखते हैं और उसमें पिन डालते हैं, पिन नंबर जो होता है वो डालते हैं और इसको हम डाक में डाल देते हैं, तो उन तक ये पत्र पहुंच जाता है। इसी तरह से बिना टिकट लगे लिफाफे भी होते हैं, इन पर हम जब पत्र लिखते हैं और अगर टिकट नहीं लगाते हैं और अपना जिनको हमने डालना है उनका हम यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं, पूरा पता लिखते हैं, जब ये पत्र उन पर पहुँचता है तो वहाँ उनके द्वारा टिकट के पैसे को वसूल लिया जाता है। तो ये इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं, इस तरह के पत्र होते हैं जो हम लोग, बहुत सारे बच्चों ने शायद ये देखे भी नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपको ये पत्र के चित्र दिखाए हैं। अब आप डाकघर से इन पत्रों को ले सकते हैं और इनमें अपने माता पिता को, अपने नाना नानी को, दादा दादी को आप पत्र लिख सकते हैं। अब किस तरह से लिखेंगे ये हम सीखते हैं। बच्चों, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आता है और वही प्रश्न मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिया है। प्रश्न इस तरह से आता है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अब हमारा फॉर्मेट ये है, हमने आपको इस तरफ एक फॉर्मेट में, एक प्रारूप में इसको दिया है, हमें इसके आधार पर इस पत्र को लिखना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट को देख लें, इस पत्र के प्रारूप को देख लें। यहाँ पर प्रति किसको लिखना है उसका नाम आता है, जैसे उन्होंने कहा है कि किसको लिखना है, प्राचार्य को। तो बच्चों, एक चीज हमने यहाँ पर, इसलिए भी मैंने यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास मैं इसलिए कर रही हूँ कि हम पत्र को पढ़ें, प्रश्न को पढ़ें कि प्रश्न क्या दिया है, और हम यहाँ से ही उन शब्दों को उठा लें बिना मीनिंग मिस्टेक किए हुए, क्योंकि जब हम अपने मन से लिखते हैं तो यहाँ की जो मात्राएं हैं उनका प्रयोग हम गलत कर देते हैं। तो यहाँ से हम उठाएं और वैसा का वैसा यहाँ पर हम लिख दें। प्रति किसको लिखना है हमें, प्राचार्य को, तो यहाँ पर हम प्रति लिख देंगे, प्राचार्य। अब आप किस स्कूल के हैं, यहाँ पर उस स्कूल का नाम लिख देंगे। जैसे मान लो मैं बच्चा हूँ और मैंने पत्र लिखा तो मैं अपने स्कूल का नाम लिखूंगी। मान लो मैं अपने प्राचार्य को पत्र दे रही हूँ 3 दिन की छुट्टी के लिए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी प्रति प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूना भट्टी भोपाल
मध्य प्रदेश, तो आप यहाँ पर ऐसे ही प्राचार्य के बाद अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद विषय, विषय में भी हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, आपको पत्र में यहाँ पर विषय दिया है, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो यहाँ से हम वैसा का वैसा उठाकर क्या करेंगे, यहाँ विषय पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। और अभी हमने विराम चिन्ह सीखे हैं, तो यहाँ पर पत्र के बाद हम क्या करेंगे, पूर्ण विराम लिख देंगे। तो ये विषय के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये वाला वाक्य पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें संदेश लिखना है, संदेश में क्या लिखना है, आपको छुट्टी क्यों चाहिए, 3 दिन की छुट्टी आपको क्यों चाहिए, तो वो कारण हम यहाँ पर संदेश के रूप में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि विनम्र निवेदन है, मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, अतः मुझे, अब मांगी कितने दिन की है, 3 दिन की, तो हम 3 दिन की किस तरह से लिखेंगे, दिनांक 12/6/2020 से, 3 दिन कब होंगे, 15 तारीख को, तो हम यहाँ पर 3 दिन मतलब 15/6/2020 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, बस इतना ही लिखना है हमें, ज्यादा यहाँ पर और कुछ नहीं, क्योंकि ये औपचारिक पत्र है, यहाँ पर केवल हमें अपना संदेश देना है, अपना तथ्य यहाँ पर रखना है कि हम क्यों स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे। उसके बाद हमने जिस दिनांक को ये पत्र पहुंचाया है वह दिनांक यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मान लो 12 तारीख को पहुंचाया है, तो हम यहाँ पर 12/6/2020 सन डाल देंगे, यहाँ पर हम दिनांक लिखेंगे, यहाँ महीना लिखेंगे और यहाँ सन लिखेंगे। इसके बाद अपना, हम अपना नाम देंगे, तो नाम आजकल लिखा नहीं जाता है, स्कूल में अगर आप दे रहे हो तो आप नाम लिखोगे, लेकिन अब जब आप परीक्षा में इस पत्र को लिखेंगे तो आवास इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर। तो आपको समझ में आया कि औपचारिक पत्र हम किस तरह से लिखते हैं। बच्चों इसी तरह से पत्र आपके परीक्षा में, जिस तरह के भी पत्र आते हैं, जितने भी पत्र आप तैयार करेंगे, तो आपके प्रश्न में आधे से अधिक पत्र छुपा रहता है, उस पत्र को हमें समझदारी से सब जगह पर लगाते हुए अपनी बात को लिखना है और पत्र को खत्म कर देना है। इसी तरह से अनौपचारिक पत्र का भी एक प्रारूप है। अब यहाँ पर एक प्रारूप दिया है, देखें, नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखें। ये अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में हमने समझा था कि ये पत्र हम किसको लिखते हैं, जिनसे हमारा परिचय होता है, जिन्हें हम जानते हैं, उनको हम ये पत्र लिखते हैं। तो इस पत्र को हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें ये प्रारूप है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पत्र भेजने वाले का पता, मतलब कौन है पत्र भेजने वाला, आप भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पता आएगा। फिर दिनांक, किस दिनांक को आप ये पत्र भेज रहे हैं, उस दिनांक को यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर संबोधन आएगा। अब संबोधन हमको किसको करना है, अपने मित्र को हमें जन्मदिन की बधाई देना है, तो यहाँ पर हम मित्र को संबोधन करेंगे। तो आप मित्र को क्या लिखते हो, प्रिय मित्र, स्नेही मित्र या मित्रवर, जो भी आप अपने मित्र को संबोधन करते हैं, यहाँ पर वो संबोधन करेंगे। अभिवादन का मतलब, यहाँ पर आप उसको जो, जैसे आप लिखेंगे मित्र को तो सप्रेम नमस्कार लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें अभिवादन का जो स्वरूप आएगा उस स्वरूप को यहाँ पर लिखना है। अगर आप पिता को लिखेंगे तो सप्रेम नमस्कार नहीं होगा, वहां पर आपको सादर प्रणाम लिखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हमें अभिवादन किस आधार पर करना है, जो पत्र आपको दिया गया है उस पत्र के आधार पर आपको यहाँ पर अभिवादन लिखना है। उसके बाद संदेश देना है। अब आप अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई के लिए जो भी संदेश लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आएगा। उसे जब हम खत्म करेंगे, उसके बाद पत्र लिखने वाले का भेजने वाले के साथ क्या संबंध है, तो आपका मित्र है, तो आप यहाँ पर अभिन्न मित्र लिख सकते हैं। आपका संबंध क्या है उससे, मित्रता का, तो आप यहाँ मित्र लिख देंगे। और अगर आपने पिता को लिखा है
तो आप उनके पुत्र हुए, इसलिए आपका पुत्र आएगा यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर हम पत्र प्राप्त करने वाले का नाम, यहाँ पर हम उसका एड्रेस लिखेंगे, पता लिखेंगे कि हम किसको पत्र भेज रहे हैं। इस पत्र को हमने यहाँ पर लिखकर आपको बताया है कि नीचे दिए प्रारूप के अनुसार मित्र को जन्मदिन की बधाई हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से। जैसे सबसे पहले हम अपना पता लिखेंगे, 28 भोपाल मध्य प्रदेश, हमारे मकान का नंबर है ये हम मान लेते हैं। फिर 15 जून को हमने पत्र लिखा तो हम 15 जून 2020 डाल देंगे, और हम अपने मित्र या अपनी सखी को लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद हम पत्र लिखना शुरू करेंगे। हम पत्र इस प्रकार लिख सकते हैं, हम बधाई दे रहे हैं तो लिखेंगे, सप्रेम नमस्ते, जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल ही तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा जन्मदिन हम सबके लिए भी अत्यंत हर्ष का दिन है। मेरा बहुत मन था कि इस शुभ अवसर पर पहुंच सकूं, किंतु अति आवश्यक कार्य होने के कारण मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे क्षमा कर दोगे। इस तरह से हम पूरा पत्र लिखेंगे, तुमको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें जीवन में वह सब प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते हो। इस तरह से हम पूरा पत्र लिखेंगे, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें जीवन में वह सब प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते हो। और इस प्रकार से हम यहाँ पर जो हमारा मित्र से संबंध है वह हम लिख देंगे, अभिन्न मित्र, आवासा, अगर आप पर्सनल भेज रहे हैं तो यहाँ पर नाम लिखेंगे, और अगर आप परीक्षा में लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम जिसको भेज रहे हैं उसका यहाँ पर पता लिखेंगे। बच्चों, ये था आज का हमारा हमारा जो विराम चिन्हों का प्रयोग है और पत्र लेखन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों, अब कुछ गृह कार्य है। इसमें दो हमने आपको पत्र दिए हैं, एक औपचारिक पत्र है और एक अनौपचारिक पत्र है। इन दोनों को आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि जो दो पत्र हमने समझे हैं वो और ये दो पत्र महत्वपूर्ण पत्र हैं जो वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछ लिए जाते हैं, या जो भी हमारी परीक्षाएं होती हैं तिमाही छमाही, इनमें पूछ लिए जाते हैं। तो पहला पत्र है, अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखें, और दूसरा है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति यानी फीस माफ के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। धन्यवाद।